अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर पर मनुवादियों ने तोड़फोड़ की है। मुंबई में राजगृह नाम से मशहूर बाबा साहब के घर पर मंगलवार रात तोड़फोड़ की गई। अज्ञात लोगों ने घर के परिसर में रखे गमलों को तोड़ दिया। इसके अलावा CCTV को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि मनुवादी घर के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहे और आंगन में तोड़फोड़ कर वहां से फरार हो गए। समाचार एजेंसी ANI ने इस बारे में ट्वीट किया है। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी हड़कंप मच गया है। लोग दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने ट्विटर पर लिखा, महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निवास स्थान राजगृह हमारी पहचान है। असामाजिक तत्वों द्वारा हमारी पहचान पर हमला कायरतापूर्ण है। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। अनिल देशमुख को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जय भीम। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जो भी आरोपी हैं उसे गिरफ्तार करने को भी कहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दादर की हिंदू कॉलोनी में बना राजगृह बाबा साहब का ड्रीम हाउस था। 1934 में ये तस्वीर इसी घर के आंगन में ली गई थी। बाईं तरफ से सबसे पहले बाबा साहब के बेटे यशवंत, फिर खुद बाबा साहब नजर आ रहे हैं। इसके बाद माता रमाबाई और बाबा साहब के बड़े भाई आनंद की पत्नी लक्ष्मीबाई तस्वीर में दिखती हैं। उनके बाद उनका भतीजा मुकुंद और उनका कुत्ता टोबी इस तस्वीर में दिखाई देता है। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर बाबा साहब ने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाई थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी। बाबा साहब और उनका परिवार यहां कई सालों तक रहा था। फिलहाल इस घर को एक म्यूजियम में तब्दील किया जा चुका है, लेकिन बाबा साहब के इस ऐतिहासिक घर पर हुआ हमला साबित करता है कि मनुवादियों के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। द शूद्र मांग करता है कि महाराष्ट्र पुलिस दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर सख्त कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।